झोटवाड़ा में कांग्रेस से आ सकता है चौंका देने वाला नाम। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, अभिषेक चौधरी और सीताराम लांबा का नाम सामने आ रहा है। सीताराम है सीकर से और अभिषेक चौधरी है जोधपुर के निवासी। सीताराम है यूथ बोर्ड के अध्यक्ष तो अभिषेक चौधरी है NSUI के प्रदेश अध्यक्ष। राजेश चौधरी का भी रेस में नाम आगे चल रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। झोटवाड़ा से कांग्रेस से चौका देने वाले नाम सामने आ सकते हैं। अभिषेक चौधरी और सीताराम लांबा का नाम सामने आ सकता है। सीताराम है सीकर से और अभिषेक चौधरी जोधपुर के निवासी हैं। विशेष संवाददाता दिनेश डांगी जुड़ चुके मेरे साथ फोन लाइन पर। दिनेश, अभी इंतजार सूची का हो रहा है, 21 नाम अभी बाकी है कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि अभी जिस तरीके से हम तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि बड़ी बात यह है कि जो जो नाम सामने आ रहे चौका देने वाले हैं, लेकिन अभी और नाम बाकी है जो भी सामने आने वाले हैं। जी देखिए ऋचा, कांग्रेस की साथी सूची का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन ऑलरेडी जिसमें 21 नाम शेष है उन उम्मीदवारों को बाकायदा फोन किए जा चुके हैं और कुछ को तो सिंपल ही जारी किए जा चुके हैं। बस मीडिया को इन्फॉर्मेशन सूची जारी करके बताना है कि ये हमारी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार होंगे। बात झोटवाड़ा की करें तो सीताराम लांबा और अभिषेक चौधरी दो मजबूती से अचानक नाम सामने आए, क्योंकि दोनों ही बाहरी है, जयपुर के निवासी नहीं है, लेकिन लालचंद कटारिया ने वहां से इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया, तो ऐसे में किसी को तो चुनाव लड़ाना था। सीताराम लांबा धोध से मजबूती से टिकट मांग रहे थे, लेकिन नारायण सिंह के बेटे वीरेंद्र सिंह का टिकट काटा जाना संभव नहीं था, तो अब उन दोनों में से किसी एक को झोटवाड़ा से टिकट दिया जा सकता है। वो दोनों ही नेता अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि मेरे पास टिकट का कंफर्मेशन का फोन आ चुका है। लांबा भी यही कह रहे हैं और अभिषेक चौधरी भी यही कह रहे हैं। हालांकि राजेश चौधरी भी तीसरा नाम था, लेकिन बताया जा रहा है उनका नाम पिछड़ गया है टिकट की दौड़ में, वो अब चुनाव नहीं है, पैनल में जरूर उनका नाम था। तो अभिषेक चौधरी या सीताराम लांबा, इनमें से एक झोटवाड़ा से कांग्रेस का उम्मीदवार हो सकता है। चलिए दिनेश, आप इस बने रहिएगा, मेरे सवाल आपसे और भी रहेंगे।